हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रेल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके लिए एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने के लिए 15 मॉडल पेपर्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आप ये मॉडल पेपर जो है तैयार करना चाहते हैं, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसे आपको नोट करना होगा, क्योंकि ये सभी चीजें वहीं पे आपको मिल पाएंगी। तो चलिए, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसे आप नोट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिएगा, 9889108322। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएंगी, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज किस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेंशन के लिए कलकत्ते का सफर किस शायर ने किया था। ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे इकबाल है, दूसरा ऑप्शन फैज है, तीसरा गालिब है और चौथे मोमिन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गालिब। चलिए, गालिब की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते हैं, रिवीजन क्लास एक तरह से भी आप सबकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, 20वीं सदी की, क्या ये सही होगा, 18वीं सदी की, या फिर 17वीं सदी की, या फिर 19वीं सदी की। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की तहरीक है। इसे सर सैयद तहरीक भी कहा गया है। तो चलिए, सर सैयद की सने विलादत और सने वफात के बारे में यहाँ पे अगेन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए आप, 1817 ईस्वी में सर सैयद की पैदाइश हुई है दिल्ली में और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस नसरी सिंफ की नुमाया खसूसियत वहदत तासुर है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे दास्तान है, दूसरा ऑप्शन जो है ड्रामा है, तीसरा नॉवेल है और चौथा मुख्तसर अफसाना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मुख्तसर अफसाना। जिंदगी के किसी एक पहलू या वाकई को अफसाना में कहानी की सूरत में पेश किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है। इस क्वेश्चन को हम कई बार क्लास में रिपीट कर चुके हैं, तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, वीरा जी, या फिर अख्तरुल ईमान, या फैज अहमद फैज, या नूर मीम राशि। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें, और इसी के साथ साथ में फैज की सने पैदाइश क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप क्लियर कर लीजिए। तो नोट कीजिएगा, अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज के बारे में अगर हम बात करें तो 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, कौन सा बयान दुरुस्त है, कौन सा बयान दुरुस्त है। उर्दू की पहली मसनू कुतुब मुश्तरी है, अमराव जान अदा उर्दू का पहला नॉवल है, निकातो शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है, और चौथा है दक्कनी उर्दू की पहली किताब करबल कथा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी निकातो शोरा जो है उर्दू का पहला तज़किरा है फारसी जुबान में। इस बात को ज़हन-नशीं कर लीजिएगा, इस बात को क्लियर कर लीजिए, निकातो शोरा ये किसका तज़किरा है, मुमीर तकी मीर का यह तज़किरा है। उर्दू की पहली मसनवी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है, कौन सी मसनवी है, कदम राव पदम राव, नोट कर लीजिएगा,
कदम राव पदम राव जो है निजामी बेदरी की, ये उर्दू की पहली मसनवी है। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है, इसे भी नोट कर लीजिए, मुल्ला वजही की मसनवी है। अब राव जान अदा उर्दू का पहला नावल नहीं है, बल्कि जो उर्दू का पहला नावल है वो कौन सा है, डिप्टी नजीर अहमद का मिरतुल उरूस, नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मिरतुल उरूस जो है नावल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सब बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें कौन नकाद नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रैक्टिस कर लीजिए। मजनू गोरखपुरी, अल्ताफ हुसैन हाली, सैयद एहतशाम हुसैन, काजी अब्दुल लदूद। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आप एग्जाम में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल लदूद। काजी अब्दुल लदूद एक अजीम मुहक्किक है, तो इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, काजी अब्दुल लदूद, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई। पहला ऑप्शन आपके सामने देखे उर्दू शायरी पर एक नजर, दूसरा है आबे हयात, तीसरा है तारीख अदब उर्दू, और चौथा है मुकदमा शेर व शायरी। उम्मीद है कि आप जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे और साथ ही साथ में क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी। मालूम होना चाहिए कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। तो फिर ये बताइएगा उर्दू शायरी पर एक नजर इसके मुसन्निफ कौन है, आबे हयात मुसन्निफ कौन है, और सारी साथ ही साथ में तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है, नोट कर लीजिएगा। इन सभी किताबों को जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी जो तसनीफात है ये अहम है। और इसी के साथ साथ में बता दीजिएगा हमारी शायरी के मुसन्निफ कौन है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हमारी शायरी के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मसऊद हसन रिजवी अदीब। मसऊद हसन रिजवी अदीब उर्दू शायरी पर एक नजर के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, कलीमुद्दीन अहमद। कौन हो जाएंगे, कलीमुद्दीन अहमद। आबे हयात किसकी तसनीफ है, मोहम्मद हुसैन आजाद की, याद रखेंगे। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, जमील जालबी, बहुत ही अहम तसनीफ है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने दिया गया है, जमानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही के लिए चार आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें बहुत सारी अहम शख्सियात के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि जमानी एतबार से कौन सा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, उसकी निशानदेही आपको करनी है। मीरा जी आपके पास में है, नुसरती हैं, आबरू हैं, फिर मीरा जी हैं, इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है और चौथा है। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा आबरू का नाम क्या है, आबरू का नाम क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है, तो आबरू का नाम है नजमुद्दीन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा, किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा। पहला ऑप्शन आपके पास में देखें गालिब है, दूसरा सौदा है, तीसरे में दर्द है और चौथे में मुसहफी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द बहुत ही अहम है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो नोट कर लीजिएगा 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। किस शायर ने खुद को गुलशन-ए-माना का अंदलीब कहा है, तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, वारे खातिर के खतूत मौलाना आजाद ने किसके नाम लिखे। कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया, जहां भी वारे खातिर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो इस सवाल का जवाब हमने आपको जरूर वहां पे दिया है। मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हबीबुर रहमान खां शेरवानी। चलिए गुबारे खातिर मैंने कई बार बताया मौलाना अबुल कलाम आजाद की खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे, जरूर याद रखेंगे। चलिए बताइए गुबारे खातिर जो है कुल कितने खतूत का मजमुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए गुबारे खातिर जो है 24 खतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे। इसकी पहली इशात कब अमल में आई है, तो याद रखिएगा मई 1946 में इसकी पहली इशात अमल में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उदे हिंदी इनमें से क्या है, तारीख की किताब है या शायरी का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है या रोजनामचा है।
उम्मीद है कि सवाल का जवाब आप बखूबी दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी खतूत का मजमुआ है। तो फिर ये किसके खतूत का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, ये मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अहम सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में देखिए 5 है, दूसरा 3 है, और तीसरे में 4 है, और चौथे ऑप्शन में 6 है। मुझे उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन यानी 5 बोलियां इसमें शामिल है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 5 बोलियां कौन कौन सी है, क्योंकि ये जानना भी आप सबके लिए जरूरी है। तो नोट कर लीजिएगा, ब्रज भाषा लिख लेते हैं हम लोग, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और इसी के साथ साथ में खड़ी बोली और हरियाणवी। हरियाणवी को और किन नामों से जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यानी हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, बांगड़ू या फिर जाटू, जाट से यानी जाटू, ठीक है जी, याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाने आलम अंजुमन आरा, फिरोज बख्त और माहे तलत किस दास्तान के किरदार हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में रानी कैद की कहानी है, दूसरा बोस्ताने ख्याल है, तीसरा फसाने अजायब है, और चौथे ऑप्शन में बागो बहार है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फसाने अजायब, नोट कर लीजिएगा। फसाने अजायब किसकी दास्तान है, आप सबको मालूम होगा, रजब अली बेकसूर की। ये दास्तान कब लिखी गई, पिछली क्लासेस हमने कई बार आपको बताया भी है, यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ, 1824 ईस्वी में ये दास्तान कब लिखी गई है, 1824 ईस्वी में, याद रखेंगे। रजब अली बेकसूर की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए। तो हो जाएगा 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है ड्रामा आगरा बाजार में किस शायर की नज्मों को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने मीर है, क्या मीर की नज्मों को शामिल किया गया, या फिर गालिब की, या फिर नजीर की, या फिर वली की। तो मुझे आप सब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नजीर की नज्मों को शामिल किया गया है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये सभी। आगरा बाजार किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर का ये ड्रामा जो है कब लिखा गया, तो याद रखिएगा आगरा बाजार जो ड्रामा है कब लिखा गया है, 1954 में, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है ड्रामा जहाक जो है कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। पहला ऑप्शन आपके पास में 6 है, दूसरा 5 है, तीसरा 3 है, और चौथा 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है, जिन्हें आप याद कर लीजिए। तो आप अपने आप को चेक भी करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी 6। ड्रामा जहाज कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, 6। ड्रामा जहाज किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने किसके कलाम में गुर्बत का लफ्ज बार बार आया है। पहला ऑप्शन आपके सामने हसरत मोहानी है, दूसरा असगर गोंडवी है, तीसरे में फानी है, और चौथे में फराग गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फानी। फानी का असल नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, शौकत अली। फानी की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, कई बार हम बता भी चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, फानी की जो पैदाइश हुई है 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फानी को यासियात का इमाम किसने कहा। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, या फिर एहतशाम हुसैन ने, या मौलवी अब्दुल हक ने, या फराग गोरखपुरी ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। किसने कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे है हसरत रिसाला उर्दू मुअल्ला कहाँ से निकालते थे। पहला ऑप्शन आपके पास सामने देखें दिल्ली से, दूसरा है अलीगढ़ से, तीसरा है लखनऊ से, और चौथा है कानपुर से। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अलीगढ़ से जरूर याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हसरत मोहानी के बारे में। आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। आपका नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन, नोट कर लीजिएगा। आपके अगर हम सने विलादत के सने वफात के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1881 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये सभी। मैखाने इल्हाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए असगर है, दूसरे जिगर है, तीसरे फानी है और चौथे शाद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं शाद अजीमाबादी के बारे में। शाद का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, हमने कई बार कहा भी कि बहुत ही अहम है, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। साथ ही साथ में शाद अजीमाबादी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, तो नोट कीजिएगा। आपका नाम सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम है? सैयद अली मोहम्मद, जरूर याद रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में, याद रखेंगे, और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, मुशाहिदात-ए-जिंदा किसकी खुदनविश्त है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? क्या ये अख्तरुल ईमान की है या हसरत मोहानी की है या जोश की है या फिर फराग गोरखपुरी की है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक सिन्फे अफसाना से है? पहला जुमरा रीड कर लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा और चौथा। इन चारों जुमरों को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है, इनका ताल्लुक किससे है? सिन्फे अफसाना से। एक लड़की किसका है, तो नोट कर लिए, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। चोटें किसका है, इसमें चौथे का, हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का, रोशनी की रफ्तार कुदरतुल हैदर का। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो आग का दरिया ये कुदरतुल हैदर का नॉवल है, ठंडा गोश्त ये जो है सादतन मंटू का अफसाने मजमुआ, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवल है, अपने दुख मुझे दे दो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाने मजमुआ, बस्ती नॉवल है किसका नॉवल है, इंतजार हुसैन का, उदास नस्लें नॉवल है अब्दुल्ला हुसैन का, फिरदौसे बरी किसका नॉवल है, अब्दुल हलीम शरर का, एक चादर मैलीसी ये किसका नॉवल है, तो आपका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का, आगरा बाजार ड्रामा है किसका, हबीब तनवीर का, फसाने आजाद दास्तान रजब अली बेग सुरूर की, गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है और फायर एरिया इलियास समुद्री का नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जिंदा नामा का ताल्लुक किस सिंफे अदब से है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, लेकिन कई बार हमने देखा कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए नॉवेल है, दूसरा शायरी है, तीसरा ड्रामा है और चौथा अफसाना है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, यानी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शायरी। तो ये जो है जिंदा नामा का ताल्लुक किस सिन्फे अदब से, ये फैज का शायरी मजमुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, वली मोहम्मद है, वलीउद्दीन है, वलीउल हक है, मोहम्मद वली है। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है तो जरूर आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी वली मोहम्मद। साथ ही साथ में इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि नजीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, जाए पैदाइश इंपॉर्टेंट है, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दक्कनी अदब के अव्वलीन दौर की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने देखें कुतुब शाही है, दूसरा आदिल शाही है, तीसरा निजाम शाही है और चौथा है बहमनी। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी बहमनी। तो ये मुझे बता दीजिएगा बहमनी अहद का क्याम कब अमल में आया और साथ ही साथ में बहमनी सल्तनत का बानी कौन था। तो नोट कर लीजिएगा,
1347 ईस्वी में इसका क्याम अमल में आया और इसका बानी कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नोट कर लीजिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, उर्दू में मार्क्सी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के जेरे असर हुई? पहला ऑप्शन आपके सामने रुमानी तहरीक है, दूसरा अलीगढ़ तहरीक, तीसरा तरक्की पसंद तहरीक और चौथा इस्लाही जुबान की तहरीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? पहला ऑप्शन आपके सामने सिंध है, दूसरा पंजाब है, तीसरा दक्कन है और चौथा नवाहे दिल्ली है। इस चीज को हम कई बार क्लासेस में बता चुके हैं, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नवाहे दिल्ली। याद रखिएगा, मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो वो है वुरूद मसूद, जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असली नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें फायजा है, दूसरा सायरा है, तीसरा नादरा है और चौथा वाजिदा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नादरा। ड्रामा अनारकली किसका ड्रामा है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, ड्रामा अनारकली जो है इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में याद रखेंगे, ये ड्रामा जो है अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3 अबवाब पर मुश्तमिल है और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा नॉवल कुर्रतुलैन हैदर का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें आग का दरिया है, दूसरा तलाशे बहारा है, तीसरा गर्दिशे रंगे चमन है और चौथा चांदनी बेगम है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गर्दिशे रंगे चमन, सॉरी तलाशे बहारा। ठीक है जी, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तलाशे बहारा। तो मुझे बताइएगा तलाशे बहारा जो है किसका नॉवल है? तो नोट कर लीजिएगा, जमीला हाशमी का ये शाहकार नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी आगरा। मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? आगरा में। अगर आपसे पूछा जाए मीर तकी मीर की वफात किस शहर में हुई, तो जवाब फिर क्या हो जाएगा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, गौतम नीलंबर किस नॉवल का किरदार है? खुदा की बस्ती का है, या फिर लहू के फूल का है, या फिर उदास नस्लें का है, या फिर आग का दरिया का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आग का दरिया, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, आग का दरिया किसका नॉवल है मालूम होना चाहिए, कुर्रतुल हैदर का उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, लहू के फूल किसका नावल है हयातुल्ला अंसारी का, खुदा की बस्ती किसका नावल है शौकत सिद्दीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखिए असगर गोंडवी है, दूसरे में फिराक गोरखपुरी है और तीसरे ऑप्शन में जोश मलिहाबादी है और चौथे में फैज अहमद फैज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश का असल नाम है मालूम होगा आप सबको, शब्बीर हसन खां। जोश मलिहाबादी की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई याद रखेंगे, और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, अहम क्वेश्चन है, शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने हयात जावेद है, दूसरा यादगार गालिब है, तीसरा हयात सादी है और चौथे में हयात अजमल है। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हयात जावेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, असलियत सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? असलियत सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? पहला ऑप्शन देखिए हिंदुस्तानी लिसानियात है, दूसरा हमारी शायरी है, तीसरा है लिसानी मुताले और चौथा है मुकदमा शेर व शायरी। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अहम क्वेश्चन है।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। नोट कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा हाल ही की तसनीफ है। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? हमारी शायरी के मुसन्निफ कौन है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ में लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है ये भी आप क्लियर कर लीजिए। तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मुहियुद्दीन कादरी जोर। नोट कर लीजिएगा हमारी शायरी के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा मसूद हसन रिजवी अदीब। लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है, ज्ञान चंद जैन। लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन में आपके पास में गालिब हैं, नासिख हैं, दौक हैं और सौदा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक। दौक की सन विलादत है 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। इस क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नारंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन है? नारंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे हाली है, दूसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरे में सज्जाद हैदर यलदरम है, और चौथे में रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इनमें से किस तसनीफ में अरबी और फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने सबरस है, दूसरा करबल कथा है, तीसरा फूल बन है, और चौथे में रानी कैतकी की कहानी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने 5 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है और तीसरा 3 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 2 मरकजी किस्से हैं। फूल बन इब्ने निशाती की मसनवी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? ऑप्शन देखिए आपके पास में हिंदुस्तान है, उज्बेकिस्तान है, सयुस्तान है, फरंगिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी सयुस्तान, जरूर याद रखिएगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि सबरस मुल्ला वजीह की एक तमसीली दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, अफसाना लाजवंती किस मुसन्निफ ने लिखा है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे इसमें चौथाई है, कृष्णचंद्र हैं, राजन सिंह बेदी हैं और प्रेमचंद हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अहम सवाल है, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सही जोड़ मिलाइए, डिप्टी नजीर अहमद हैं, उनकी तखलीकात हैं, रतननाथ सरशार हैं, प्रेमचंद हैं, कुर्रतुलैन हैदर हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असरार महाबित, मैदान अमल, गोदान, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के नॉवल हैं यानी उनकी तखलीकात हैं। चौथे ऑप्शन में देखें, यहाँ पे आग का दरिया है, बस्ती है, इंतजार हुसैन है। तो बस्ती जो है ये इंतजार हुसैन का नॉवल है, कुर्रतुल हैदर का नहीं है। फसाने आजाद है, कड़क धड़म है, शरीफ ज्यादा है। तो शरीफ ज्यादा जो नॉवल है ये किसका है, मिर्जा हादिर रुस्वा का है। मिरातुल उरूस है, बनातुल नाश है और मजालिसुन निसा है। मजालिसुन निसा जो है ये हाल ही की तसनीफ है, डिप्टी नजीर अहमद की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, साहिल और समंदर का शुमार किस सिंफे अदब में होता है? ऑप्शन आपके पास में अफसाना है, नॉवेल है, सफरनामा है, ड्रामा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सफरनामा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि साहिल और समंदर जो है ये किसका सफरनामा है, साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? तो जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिएगा एहतशाम हुसैन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी है, मुहियुद्दीन कादरी जोर है, अब्दुल कादिर सरवरी है, या फिर मोहम्मद हसन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी नसीरुद्दीन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने आलम सरूर है, दूसरे में जमील जालबी है, तीसरे वजीर आगा और चौथे में कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी वजीर आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रूप किस सिंफ का मजमुआ है? क्या ये गजल का मजमुआ है, या फिर कितआत का है, या फिर रुबाई का है, या फिर नज्मों का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रुबाइयात का मजमुआ है। तो फिर ये मुझे बताइएगा, रूप जो है ये किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी। किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मन आनम जो है किसके खतूत का मजमुआ है? तो मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आलम सुरूर की समान है उमरी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ख्वाब बाकी है, दूसरा है इस आबाद खराबे में, तीसरा वरूद मसूद है, और चौथा अपनी तलाश में। कई बार हम क्लास में आपको पिछली बता चुके हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी ख्वाब बाकी है, पहला ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की। वरूद मसूद किसकी है? मसूद हुसैन खां की। अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? कलीमुद्दीन अहमद की। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नुस्खा हाय वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? पहला ऑप्शन मजाज है, दूसरा फैज है, तीसरा मखदूम है, और चौथे में जोश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, तिलो का किस नॉवल का किरदार है? पहला ऑप्शन आपके सामने एक चादर मैलिसी है, दूसरा गबन है, तीसरा शिकस्त है, और चौथा जिद्दी है। तो मुझे बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी एक चादर मैलिसी, नोट कर लीजिएगा। एक चादर मैलिसी किसका नॉवेल है मालूम होना चाहिए, राजेंद्र सिंह बेदी का है। गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। शिकस्त किसका है? कृष्णचंद्र का। और जिद्दी किसका है? इसमत चौधरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास है, मौलाना हाली है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद है, शिबली नौमानी है, सर सैयद अहमद खान है। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अलबेली सुबह किसकी नज्म है? जवाब दीजिएगा, अलबेली सुबह किसकी नज्म है? क्या ये इकबाल की है, या फिर जोश की, या फिर हाली की, या फिर फैज अहमद फैज की है? तो सीधे सीधे आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जोश मलिहाबादी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन गालिब का हम असर नहीं है? कौन गालिब का कंटेम्प्रेरी पोएट नहीं है, उसका जो हम असर नहीं है? तो आपका जवाब देखिए क्या हो सकता है, ज़ौक हो जाएंगे, या फिर मीर हो जाएंगे, या फिर मोमिन हो जाएंगे, या फिर शगुफ्ता हो जाएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर। जरूर याद रखेंगे, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये सभी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा जोड़ सही है? कौन सा जोड़ सही है, इस इतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बनातुल नाश किसकी तसनीफ है? क्या नजीर अहमद की है? मुसद्दस मद्दो जद इस्लाम अल्लामा इकबाल की है। चांदनी बेगम इसमें चौथे की जिंदा नामा जोश मलिहाबादी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी बनातुल नाश नजीर अहमद की तसनीफ है। मुसद्दद मद्दो जज इस्लाम हाली की। चांदनी बेगम कुरतुल हैदर का नावल है। जिंदारामा जो है फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास में हबीब तनवीर है, दूसरा मोहम्मद हसन है, तीसरा इम्तियाज अली ताज है, और चौथा आगाहश काश्मीरी है।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दक्कनी शोरा में मौजूआत का तनव किसके यहाँ ज्यादा है। ऑप्शन आपके पास में देखिए वजही हैं, वली दक्कनी हैं, गवासी हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है। क्या ये लिसानी मुताले हैं या फिर उर्दू लिसानियात है या हिंदुस्तानी लिसानियात या हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी उर्दू लिसानियात। लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है, आप जवाब दीजिएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन, अभी हम पीछे दोनों किताबों के मुसन्निफिन के बारे में बात कर चुके हैं। साथ ही साथ मुझे बताइएगा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका इसके मुसन्निफ कौन है। तो लिसानी मुताले के मुसन्निफ ज्ञानचंद जैन हैं, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ हो जाएंगे सैयद एहतिशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मंटू की कहानी टोबा टेक्सिंग किस वाकया से मुतालिक है। पहला ऑप्शन तकसीम हिंद है, दूसरा दूसरी जंग अजीम है, तीसरा कैत बंगाल है और चौथा मल्लाहों की बगावत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तकसीम हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, यादें किस शायर के मजमू कलाम का नाम है। पहला ऑप्शन देखिए अख्तरुल ईमान है, दूसरा मखदूम मुहीउद्दीन है, तीसरा नोमिन राशिद है और चौथा मीरा जी हैं। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, हम नफसाने रफ्तार सिनफी एतबार से क्या है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे शेरी मजमुआ है, दूसरा है खतूत का मजमुआ, तीसरा है अफसानों का मजमुआ और चौथा है खाकों का मजमुआ। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खाकों का मजमुआ। हम नफसाने रफ्ता जो है ये किसके खाकों का मजमुआ है, तो मालूम होना चाहिए रशीद अहमद सिद्दीकी। किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी खुद नविश्त का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या नाम है, आशुफ्ता बयानी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मीजान है, दूसरा दस्त सबा है, तीसरा जिंदानामा है और चौथा दस्त सहे संग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीजान। हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि मीजान जो है फैज अहमद फैज के तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, हवाई किले किसके अफसानों का मजमुआ है। ऑप्शन के शक्ल में चार नाम है, इसमें चौतई हैं, कृष्णचंद्र हैं, गुलाम अब्बास हैं या फिर राजेंद्र सिंह बेदी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जमाने एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन यानी सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद में रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन आपके पास में अजीज अहमद हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं और खलील रहमान आजमी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अजीज अहमद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से एहतशाम हुसैन की मुरतब करदा किताब कौन सी है। तनकीद क्या है, तनकीदी नजरियात हैं, उर्दू तनकीद पर एक नज़र है, तनकीदी दबिस्तान है। तो आप मुझे बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तनकीदी नजरियात। तनकीद क्या है, उसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की। तनकीदी दबिस्तान के मुसन्निफ हैं सलीम अख्तर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें सबसे कदीम किताब कौन सी है। ऑप्शन आपके पास में देखिए यहाँ पे करबल कथा है, दूसरा बागो बहार है, तीसरा है किस्सा महर अफरोज व दिलबर और चौथा है मसनवी कदम राव पदम राव। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसनवी कदम राव पदम राव। अच्छा ये बताइए किस्सा महरे अफरोज और दिलबर के मुसन्निफ कौन है, यानी ये दास्तान किसकी है? तो नोट कर लीजिएगा ईसवी खां बहादुर, नोट कर लीजिएगा ईसवी खां बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तज़किरा निकातु शोरा किस जुबान में लिखा गया है? अभी शुरुआत ही में हमने आपको बता दिया था कि फारसी जुबान में लिखा गया उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मसनवी सैफुल बुलूग को बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके पास में इब्ने निशाती हैं, गवासी हैं, वजही हैं और मलिक खुशरूद हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गवासी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? क्या कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, या जोश मलिहाबादी ने, या फिर मौलाना हाली ने, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना हाली, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमू कलाम है? ऑप्शन आपके पास है फैज अहमद फैज हैं, नून मीम राशिद हैं, अख्तरुल ईमान हैं, मीरा जी हैं, तो आप मुझे बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने, शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? पहला ऑप्शन आपके पास में सामने सौदा है, दूसरा मीर है, तीसरा मोमिन है और चौथे ऑप्शन में गालिब है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर। अब ये मुझे बताइएगा शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है, किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा शमशुर रहमान फारूकी, जरूर याद रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, किसकी तसनीफ है? शमशुर रहमान फारूकी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें, गजल को नीम वहशी सिन्फे सुखन किसने कहा? ऑप्शन आपके पास में देखें कलीमुद्दीन अहमद हैं, अजमतुल्ला खान हैं, मौलाना हाली हैं, आल अहमद सरूर हैं। अगर आप हमारे 15 मॉडल पेपर्स को प्रिपेयर करते हैं बहुत आपको एग्जाम में मदद मिलने वाली है, क्योंकि इस चीज़ का हमने पिछले एग्जाम है उनमें रिजल्ट आपको देखा है, बहुत सारे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा आप सब लोगों ने बताया है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है इसको पढ़ने के बाद में, इससे हमको बहुत मदद मिली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन कलीमुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? क्या ये प्रेमचंद का है, कृष्णचंद्र का है, बेदी का है, या इसमें चौथाई का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? वजही ने, सिराज ने, वली दक्कनी ने, गवासी ने? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी वली दक्कनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें नजारे हैं, दूसरा वारदात है, तीसरा आखिरी तोहफा है और चौथा ज़ादे राह है, तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नजारे। नजारे जो है ये किसका अफसानवी मजमुआ है, तो मालूम होना चाहिए कृष्णचंद्र, किसका है? कृष्णचंद्र का, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको केयरफुली रीड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दिल्ली का दबिस्ताने शायरी किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में नूरुल हसन हाशमी हैं, जमील जालवी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आल अहमद सरूर हैं, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नूरुल हसन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मीर और सौदा कहाँ मदफून हैं? मीर और सौदा कहाँ मदफून हैं? क्या ये दिल्ली में हैं, या फिर कलकत्ता में, या फिर फैजाबाद में, या फिर लखनऊ हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लखनऊ, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सही जोड़ की निशानदेही की, बहुत ही अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। आपका दरिया कारे जहां दराज है, चांदने बेगम गर्दिशे रंगे चमन, जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है जी, पहले ऑप्शन आप देखें गोदान है, बाजार हुस्न है, जाते शरीफ है और मैदान अमल है, तो मालूम होना चाहिए आपको जो है जाते शरीफ जो है ये प्रेमचंद का नॉवेल नहीं है, बल्कि ये किसका नॉवेल है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा का।
दूसरे में देखिए फसाने आजाद हैं, फसाने मुबतला हैं, खुदाई फौजदार हैं, पीका हैं, तो फसाने मुबतला ये आपका नहीं है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। फसाने मुबतला डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवल है। चौथे जुमरे के अंदर देखिए चोटे हैं, टेढ़ी लकीर हैं, लाजवंती हैं, मोम की मरियम है, तो लाजवंती जो है बेदी का है अफसाना है, मोम की मरियम जिलानी बानो का अफसाना है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तस्वीर दर्द जो है किस शायर की तख्लीक है? फैज की है या फिर इकबाल की है या फिर जोश की है या फिर अनीस की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सुंदर लाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए हतक है, दूसरा ठंडा गोश्त है, तीसरा लाजवंती है और चौथा है जिंदगी के मोड़ पर। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लाजवंती। नोट कर लीजिएगा हतक और ठंडा गोश्त ये किसके अफसाने हैं, तो मालूम होना चाहिए मंटू। जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इनमें से मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा कौन सा है? मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा कौन सा है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलशन हिंद। तो फिर ये बताइएगा तबकात शोरा जो है किसका तज़किरा है, मखज़नी नुकात किसका तज़किरा है और गुलशन वेखार किसका तज़किरा है? तो ये सभी नोट कर लीजिएगा। तबकात शोरा का किसका तज़किरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कुदरतुल्ला शौक का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। मखज़नी नुकात किसका तज़किरा है, तो कायम चांदपुरी का है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। गुलशन वेखार किसका तज़किरा है, नवाब मुस्तफ़ा खान शरीफ्ता का तज़किरा है, नवाब मुस्तफ़ा खान शरीफ्ता का तज़किरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, कौन सा मजमू कलाम इकबाल का नहीं है? ऑप्शन आपके पास में देखिए बागे दरा है, बाले जिब्रील है, जरबे कलीम है, जुनून हिकमत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जुनून हिकमत। जुनून हिकमत किसका शेरी मजमू है, तो नोट कर लीजिएगा जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंदु किस अफसाना का किरदार है? इंदु किस अफसाना का किरदार है? पहला ऑप्शन है लाजवंती, दूसरा है हतक, तीसरा है अपने दुख मुझे दे दो और चौथा है भोला। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन से ये सभी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आज की क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम, अरबगान हिजाज। याद रखेंगे ये सभी अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम है। बांगे दरा जो है कब अमल में आया है, तो नोट कर लीजिएगा 1924 ईस्वी, याद रखिएगा। बाले जिब्रील 1935 ईस्वी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में जरबे कलीम 1936 ईस्वी, इसे नोट कर लीजिएगा। अरमगान हिजाज 1938 ईस्वी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जमानी एतबार से आपको सही तरतीब की निशानदही करनी है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी आबरू, मीर, नासिख और गालिब। जरूर याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आबरू के बारे में अगर हम बात करें, सिर्फ डायरेक्ट बात कर लेते हैं सने विलादत के बारे में, क्योंकि पिछली क्लासेस हम सब डिस्कस चुके हैं। 1683 हो जाएगा आबरू का, इस बात को जहन नशी कर लीजिएगा। नासिक का क्या हो जाएगा, 1772 हो जाएगा, ठीक है। मीर का पहले देख लीजिएगा, 1722-23 और इनका हो जाएगा 1772, वही चीज नोट कर लीजिएगा। और गालिब क्या हो जाएगा, 1797। तो ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास्तान जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? बहुत ही अहम क्वेश्चन से ये सभी। दास्तान जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी, नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा?
दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? हाली ने कहा, मालिक राम ने कहा, नियाज फतेहपुरी ने कहा, अब्दुल रहमान बिजरौनी ने कहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें, मुगल दौर ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। मुगल दौर ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल, ये किसका कौल है? आलम सुरूर का है, मालिक राम का है, खुर्शीद उल इस्लाम का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आपके सामने, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या? पिछली क्लासेस हमने आपको जो बताया था, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या? नासिक हो जाएंगे, या फिर मीर हसन होंगे, या फिर आतिश होंगे, या फिर दर्द होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ? ऑप्शन आपके पास में निगार है, जमाना है, मखजन है, जामिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जामिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजन सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती के शौहर का नाम क्या है? सुंदर लाल हो जाएगा, या फिर मनोहर होगा, या फिर मंगल होगा, या फिर दीपक होगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी सुंदर लाल, नोट कर लीजिएगा। सुंदर लाल, राजन सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती के शौहर का नाम क्या हो जाएगा? सुंदर लाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपसे पूछा जा रहा है, खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, तो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके सामने देखें, फानी है, फिराक है, फैज है, हसरत है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी हसरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी तखलीक राजन सिंह बेदी की नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा गया है नहीं है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी रोशनी की रफ्तार जो है, ये कुर्रतुल हैदर का अफसानवी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ है? शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में, नूरुल हसन है, मौलवी अब्दुल हक है, हनीफा अमन नकवी है, रशीद हसन खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हनीफ अहमद नकवी, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें, मजमू नक्ज क्या है? क्या ये तारीख की किताब है, या फिर तनकीद की, या फिर तबसरा की, या फिर यह एक तज़किरा है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तज़किरा। याद रखेंगे मजमू नक्ज जो है किसका तज़किरा है, तो नोट कर लीजिएगा, ये किसका तज़किरा है? कुदरतुल्ला कासिम का है। फिर ये मुझे बताएंगे इस तज़किरा के मुरत्तिब कौन है, क्योंकि ये भी बहुत ही अहम है। तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शीरानी। अरे भाई, वही महमूद शीरानी जिनके अहम तसनीफ है पंजाब में उर्दू। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उर्दू ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा सही है? पहला ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, हयातुल्ला अंसारी। दूसरे फिराक गोरखपुरी, अख्तर लिमान, कुरतुल हैदर। तीसरे फिराक गोरखपुरी, जिगन मुरादाबादी। चौथे फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी शहरयार। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी हो जाएंगे, सरदार जाफरी हो जाएंगे और शहरयार हो जाएंगे। तो याद रखेंगे उर्दू में जो सबसे पहला ज्ञान परिणाम मिला है वो किसको मिला है? फिराक गोरखपुरी को मिला है, और ये इनके मजमू कलाम गुले नगमा के लिए मिला था। कब मिला था? तो याद रखेंगे 1969 में। ये अहम है, जरूर याद रखिएगा, 1969 में जरूर आप नोट कर लेंगे। ये उर्दू में पहला इनाम इनको मिला है। अगर हम बात करें उर्दू में जो दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो किसे मिला है, तो वो है कुर्रतुलैन हैदर। कुर्रतुलैन हैदर जरूर आप याद रखेंगे। कुर्रतुलैन हैदर को मिला है आखिरी शब हम सफर, उनका एक नॉवेल है, उसके लिए मिला है। और कब मिला है? 1989 में, जरूर याद रखेंगे। और जो तीसरा नाम आता है वो आली सरदार जाफरी का है, और उनको मिला है उनके मजमू कलाम नई दुनिया को सलाम के लिए, नई दुनिया को सलाम के लिए मिला है। और कब मिला है इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1997 ईस्वी में, याद रखेंगे। और चौथा नाम है शहरयार का, शहरयार को कौन कब मिला है? इसमें आजम के लिए मिला है 2008 में, नोट कर लीजिएगा। उनके मजमू कलाम इसमें आजम के लिए मिला है 2008 में, जरूर याद रखेंगे। तो उर्दू में
कुल चार अहम शख्सियत को जो ज्ञानपीठ नाम से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म साकीनामा इकबाल के किस मजमे कलाम में शामिल है? बांगे दरा, बाले जिब्रिल, जरबे कलिम, पयामे मशरक। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी बाले जिब्रील। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये शेर किसका है? फैज का है, मखदूम का है, जोश का है, या फिर नून मीम राशिद का है? तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी मखदूम मुहियुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पूछा गया गुज़श्ते लखनऊ के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने अब्दुल हलीम शरण है, दूसरा रजब अली बेग सरूड है, तीसरे में नजीर अहमद है, और चौथे में रतननास सरशार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अब्दुल हलीम शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? हाली का है, शिबली का है, वकारुल मुल्क का है, या फिर हबीबुर रहमान खान शेरवानी का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, यानी अल्लामा शिबली नोमानी। नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है? आबे हयात है, दरबारे अकबरी है, सुखनदान फारस है, मजालिसुन निसा है। तो मैंने पिछले आपको बताया भी था इस क्वेश्चन के बारे में, यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज दी गई उसके बारे में। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मजालिसुन निसा, इसी के बारे में अभी कह रहा था। मजालिसुन निसा के मुसन्निफ कौन है? तो हाली पिछली क्लासेस में, पिछली क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, ये किसका नजरिया है? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो एक बच्चे हमारी क्लासेस को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे उनके लिए आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आसान हो चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हाफिज महमूद शिरानी। बढ़ते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहम क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, महासिने कलाम गालिब। महासिने कलाम गालिब किसकी तसनीफ है? शौकत सब्जवारी की है, या फिर अब्दुलहमद बिजनौरी की है, या कलीमुद्दीन अहमद की है, या फिर मसूद हुसैन खां की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो इस तरह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम सभी ने यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन उनके लिए भी आपकी तरह बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।